अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम UMT Pro डोंगल की QC फायर की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, अगर आप इसका सपोर्ट एक्सेस सेटअप रन करेंगे डिवाइस कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर की न्यू वार्निंग नज़र आ रही है और ये अपडेट जो है 29 अप्रैल यानी कल लॉन्च हुई है। तो इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फ़ीचर नए ऐड किए गए हैं, कौन कौन से मॉडल आए हैं। तो ये मैंने इसको डाउनलोडिंग पे लगा दिया, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतनी देर में हम ऐसा करते हैं कि इसका जो ओल्ड सेटअप है 7.6 उसको रन करके उसका इंटरफेस देख लेते हैं और फिर कंपैरिजन कर लेंगे कि जो न्यू सेटअप आया है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। कोई खास डिफरेंस तो शायद ना हो, खैर देख लेते हैं। चंद एक मॉडल ऐड हुए होंगे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओप्पो के कुछ मॉडल क्वालकॉम के, वो अभी तक जाहिर सी बात है किसी भी डिवाइस में आए तो डेफिनेटली इसमें भी नहीं आएंगे। खैर, हम ओल्ड सेटअप जो है 7.6 UMT QC फायर का इसको रन करते हैं और इसका एक एक टैब और इंटरफेस ओपन करके देख लेते हैं। जितनी देर में ये 7.7 सेटअप डाउनलोड हो रहा है उतनी देर हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिव्यू पिछले सेटअप के ऊपर। तो ये मैंने डबल क्लिक करके 7.6 का जो सेटअप है UMT Pro QC फायर का, क्वालकॉम चिप सेट के लिए एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है, इसको रन कर दिया है। और रन होने के बाद आपको अभी नज़र आ जाएगा कि किस किस्म के इंटरफेस मेन्यूज़ बने हुए, कौन कौन से बटन्स हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये इसमें फ्लैशर मेन्यू था, इसमें जो जो ऑप्शंस थे और रीड एंड टूल्स हमें क्योंकि ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है, यहीं से स्क्रीन लॉक FRP वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पे ये सारा इंटरफेस इसका इस तरीके से। ये देखें नेक्स्ट मेन्यू जो है, इसमें भी ये सारी चीज़ें, ये नेक्स्ट मेन्यू देख लें, मज़ीद ऐसे ही फाइल फॉर्मवेयर एक्सेक्टर, डिफरेंट मेन्यूज़ में आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वीवो के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ मॉडल्स फ्लैशिंग के लिए, FRP फॉर्मेट यूज़र डाटा के लिए। तो ये इसका था ओल्ड सेटअप। तो अब जो है न्यू सेटअप, ये देख लें डाउनलोडिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब इसको मैं पहले तो सेटअप को मूव कर देता हूँ न्यू लोकेशन पे, जैसे कि आपको पता है कि न्यू लोकेशन पे जहाँ पे मैंने सिस्टम पे सारे सेटअप्स रखे होते हैं, क्योंकि ओल्ड सेटअप को भी रखना पड़ता है कभी कभार। ये जो न्यू अपडेट आती है इसमें कुछ बग्स भी होते हैं, कुछ फ़ोन तंग करते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें पिछले सेटअप के ऊपर जाके काम करना पड़ता है। तो ये देख लें, ये यहाँ पे मैं इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं आप बेशक ऐसा ना करें। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब इसको हम राइट क्लिक करके, पहले डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, ये एरर आ रहा है यानी हाई कंप्रेशन फाइल है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर 7Z के ज़रिए, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये सेटअप आ गया, इसको अब हम लाइसेंस एग्रीमेंट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो ये इसमें चीज़ें फ़ीचर्स वगैरह देख लें, ये तो जनरल सेटिंग्स जो ये अपडेट करता है ये बताया जा रहा है। हम नीचे देखते हैं जहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा न्यू एडिट, वहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आएगी कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, अभी तक ये सारा सेटअप जो है ओल्ड वैसे ही जैसे आम, यानी इसमें बेसिकली फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है कि UMT Pro क्या क्या काम कर सकती है। क्या देखिए, ये एडिट आ गया न्यू अपडेट के अंदर, ये कुछ मॉडल्स देख लें ऐड हुए हैं QC फाइल में, और मज़ीद IMEI से रिलेटेड, MEID से रिलेटेड कुछ फ़ीचर जो है ना इन्होंने ऐड किए हैं, यानी IMEI नंबर चेंज करना, MEID वगैरह चेंज करना, वो क्या आपको पता है कि ये इलीगल काम होता है, बट हमारे माशरे में ऐसा है कि जो गलत काम होगा उसको लोग बहादुरी के साथ कर रहे होते हैं नेकी समझ के, जबकि काम ये ठीक नहीं होता। खैर, देने का मकसद ये होता है कि अगर ड्यूरिंग द फ्लैशिंग या FRP के दौरान अगर किसी फ़ोन का IMEI नंबर MEID ख़राब हो जाए तो फिर उसको रिपेयर करने के लिए ऑप्शन होता है। ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप PTA के टैक्स से बचने के लिए किसी फ़ोन का IMEI नंबर चेंज करें या रिप्लेस करें। तो ये बेसिकली इस अपडेट में इन्होंने थोड़ा सा यही इम्प्रूव किया है, MEID और IMEI नंबर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बट मैं अवॉइड करता हूँ कि इस किस्म की IMEI चेंजिंग की कोई वीडियो मेरे चैनल पर ना लगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ जिनके पास डिवाइसेस हैं उनको आइडिया है, वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जी न्यू सेटअप जो है इंस्टॉल हो रहा है UMT QC फायर 7.7, और इंस्टॉल करने के बाद इसको फिर हम रन करके देख लेंगे। मेन्यूज़ तो सारे वैसे ही होंगे, सिर्फ ये IMEI का फीचर जो है ना ये ऐड हुआ है और चंद एक मॉडल इन्होंने ऐड किए हैं, और कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं आई है इसमें। तो अब वेट करते हैं सेटअप कंप्लीट होने का। ये देखें, ये इंस्टॉल हो गया, क्वालकॉम की USB ड्राइवर, वो कह रहा है कि इसके फोल्डर में अगर आप करना चाहें विजुअल स्टूडियो, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हुआ हुआ है इंस्टॉल, इसलिए अगर इंस्टॉल करेंगे तो एरर आएगा, यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अगर आपके सिस्टम में पहले से ये इंस्टॉल नहीं होगा तो इसको इंस्टॉल करना होता है, ये साथ ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है।
ठीक है जी, इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद अब इसको रन करके देखते हैं UMT QC5 7.7 की जो ये न्यू अपडेट है इसमें क्या चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। ठीक है, रन होने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो मेन जो है इसमें बस चंद एक मॉडल ऐड किए गए हैं और IMEI MEID वगैरह को चेंज करने का फीचर जो है इस सेटअप के अंदर ऐड कर दिया गया है। बाकी मेन्यू वैसे ही होगा, टाइम निकाल के आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये आप सारा काम वही स्टूडेंट कर सकेंगे जिनके पास डोंगल डिवाइस हैं। जिनके पास डोंगल डिवाइस नहीं है तो उनको डाउनलोड करने का और टाइम ज़ाय करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।